हेलो एवरीवन, आई एम मुनमुन सेन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर टिप्स, और वो टिप्स है फेस शीट मास्क DIY। मार्केट में आपको शीट मास्क बहुत सारे ब्रांड के, बहुत सारे रेट के मिल जाएंगे, पर इसे अगर हम घर में बनाएं तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकती है। ये आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी बनेगा, आपके घर में जो सामान है उसी से बन सकता है, और मुझे यकीन है जो मैंने यूज़ किया है वो सबके घर में होते ही होंगे। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है। इसके लिए मैंने लिया है डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। और ले लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिया है फिगारो का ऑलिव ऑयल। फिगारो का ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने ये लिया है। आप अगर कुछ और ब्रांड का यूज़ करते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ लिया है विटामिन ई कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और लिया है एक टिश्यू पेपर जिससे हमारा शीट मास्क बनेगा। इन सारी चीज़ों को मिलाने के लिए लिया है एक चम्मच और एक बाउल। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने विटामिन ई कैप्सूल को एक सेफ्टी पिन से छेद कर लिया है। अब इसको पूरा निकाल लेना है। एक विटामिन ई कैप्सूल ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत थिक होता है और अभी गर्मी का मौसम है तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। विटामिन ई कैप्सूल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ले लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगभग एक चम्मच लेंगे। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो होते हैं, और ये हमारे स्किन को डीप मॉइस्चराइज भी करता है। ये बहुत थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। सर्दी के मौसम के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा लेने से फ़ायदेमंद रहता है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। गुलाब जल सभी के स्किन के लिए अच्छा होता है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फिर से हम दो चम्मच गुलाब जल और ऐड कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक प्लेट जिसमें इस सीरम को अच्छे से फैला सकें और मास्क अच्छे से तैयार कर सकें। तो अब हम इसमें इस सीरम को लेकर अच्छे से पूरा प्लेट में फैला देंगे। अब इसे अच्छे से फैलाना है पूरे प्लेट में। अब हम टिश्यू पेपर को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने टिश्यू पेपर को चार फोल्ड में ले लिया है। अब इसे गोल करके काट लेना है। इसके कोनों को पहले काट लेते हैं ताकि ये सर्कल शेप में आ जाए। काटने के बाद देखिए ये ऐसे सर्कल शेप में आ गया है। अब यहाँ से कट लगाएंगे। इसके लिए इसको डबल फोल्ड कर ले। अब यहाँ पे जहाँ आपका लिप आएगा वहाँ पे आप भी शेप में इसे काट ले। देखिए ऐसे भी शेप में इसे काट ले। अब यहाँ आएगा नाक के पास, तो नाक के पास भी थोड़ा सा कट लगाना है। इसे भी हल्का काट लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से मोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे रहेगा हमारे आँख, तो यहाँ
भी हमें एक कट लगाना है, सॉरी दो कट लगाना है। अब इसे ऐसे हम मोड़ लेंगे। ऐसे आप इसे काट लें। देखिए ये मास्क तैयार है। अब इस सीरम में हम इसे डिप कर देंगे, इसे सोक करने दें। देखिए अच्छे से इसको पूरा मैंने लगा लिया। अब इसे आपको अपने फेस में अप्लाई करना है और इसमें जो सीरम है आपके फेस में ये अच्छे से सोक कर लेगा। अब तैयार है आपका सीट मास्क। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।